तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीजनल गैलीवेंटर। एक बार फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल सीजनल गैलीवेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वीडियो किसी ट्रैवल रिलेटेड नहीं है, वो वीडियो है रिलेटेड हाइजीन के। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेंस को कैसे अपना हाइजीन मेंटेन रखना है, और सिर्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक है मेरे पास और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आज आपको मैं उसका रिव्यू बताने वाला हूं, और वो प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है एक मेंस के लाइफ में वो चीज़ भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि हम बॉडी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, बॉडी का हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। सपोज़ बालों की साफ़ सफाई के लिए हमको हेयर शैम्पू कोई अच्छा यूज़ करना है, चेहरे के लिए फेस वॉश, स्क्रब, मास्क, ये सारा चीज़ यूज़ करना है। आफ्टर डेट अगर देखा जाए तो पूरी बॉडी के लिए हम सोप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडियंस की अगर बात करें हम तो ज़्यादातर साबुन लोग इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ कोई बॉडी वॉश का हमने इस्तेमाल किया जो हमको प्रॉपर ऑडर और ये सारी चीज़ों से हमको थोड़ा रिलैक्सेशन देता है, उसको दूर हटाता है और हम नहा धो के एकदम हाइजीन रहते हैं। तो यहाँ तक ही सीमित नहीं है। अब एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। आप वुमेंस को देखे होंगे, वुमेंस अपने इंटीमेट पार्ट्स का वो हाइजीन मेंटेन रखने के लिए वो लोग वी वॉश यूज़ करते हैं। तो हम मेंस क्या यूज़ करें? सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है कि अगर वुमेंस अपना हाइजीन मेंटेन रखती हैं इंटीमेट या जेंटल पार्ट्स में, देन व्हाट द मैन द बॉयज़ शुड यूज़। अच्छा क्वेश्चन है ना, और सोचने वाला क्वेश्चन भी है। तो आज कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि इंडिया में सिर्फ इसी कंपनी द्वारा एक ऐसा प्रोडक्ट निकला है जो मैं अभी रिसेंटली 2-3 हफ्तों से यूज़ कर रहा हूँ, और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बस अब बताने ही वाला हूँ। तो सवाल ये था कि जो मेंस हैं, मर्द हैं, लड़के हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? वो सिर्फ यूज़ करते हैं साबुन। साबुन रखा, सर से चालू किया लगाना, पूरा बॉडी में लगाया, अपने जेंटल पार्ट्स, इंटीमेट पार्ट्स को लगाया, यूज़ किया और छोड़ दिया। मतलब कोई भी कहीं से भी अगर देखा जाए पूरी बॉडी का कोई भी हाइजीन हम लड़के अच्छे से मेंटेन नहीं करते, हम मेल अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं। ये प्रोडक्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी मैं कहीं राइड पे जाता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अभी तक मैंने राइड पे से इसको सिर्फ रिसेंट में एक बार जस्ट अ शॉर्ट टाइम पीरियड यूज़ किया है। तो अब अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये प्रोडक्ट जो कि है स्किन एलिमेंट की तरफ से, और ये प्रोडक्ट का नाम है इंटीमेट वॉश। तो ये प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो हमारे जेंटल्स एरिया, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसको क्लीन करने के लिए, हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, प्रॉपर पीएच, आउटडोर से जो हमें दुर्गंध वगैरह आती है इन सब चीज़ों से, पसीनों की वजह से, उनसे ये हमको निजात दिलाते हैं। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्ट किस चीज़ के बारे में। थोड़ा और डिटेल बात करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ क्यों यूज़ करना है। क्योंकि जो बाइकर्स होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं, जो जिम यूज़र्स होते हैं, जो नॉर्मल मैं बोलता हूँ दिन भर बाहर रहते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, हमको क्या होता है मेंस को हमेशा उनके प्राइवेट पार्ट्स, इंटीमेट एरिया, जेंटल एरियाज में इचिंग और ड्योर, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। टाइट जीन्स, टाइट पैंट, ये सारा चीज़ हम कंटिन्यूस पहनते हैं, सुबह से शाम हो जाती है बट हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो लंबे समय पे हमको रिलैक्स होने के लिए या फिर कहीं पे भी हम कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं तो हमारे पास समय कहाँ है कितना इसको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। बस जो स्किन एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है अभी मेरे पास, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, खुद को हम हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं, हमारा प्राइवेट एरिया, इंटीमेट एरिया, जेंटल एरियाज हम क्लीन कर सकते हैं। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं ये क्या है, जो कि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंडिया में बहुत ही अच्छा ब्रांड साबित हुआ है, काफ़ी सारे इसके वीडियोज़ आपको यूट्यूब वगैरह सब जगह पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो ये सिंपल इंटीमेट वॉश है स्किन एलिमेंट की तरफ से, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्रोडक्ट किस लिए और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, वो सारा चीज़ मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो ये प्रोडक्ट जो है कि रिमूव्स अनवांटेड ऑडर एंड इचिंग। अगर आपको किसी भी प्रकार की दुर्गंध आपके प्राइवेट एरियाज या फिर आपको इचिंग वैसा होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन रखता है, साफ सुथरा क्लियर रखता है, और फास्ट है, इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है, और ये एंटी बैक्टीरियल इसमें क्या कहते हैं गुण हैं। जैसे सपोज आपको कहीं पे कुछ फंगस या फिर कोई पिंपल्स वगैरह कुछ भी नीचे पे दांत, खाज, ऐसा कुछ भी चीज़ है
तो आप एंटीबैक्टीरियल इसके अंदर जो चीज़ है उसके थ्रू आप उसको आपके जेंटल एरियाज़ को हाइजीन के साथ रख सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में यूज़ करने से जो पीएच बैलेंस्ड है वो मेंटेन रहता है। हाइजीन का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है पीएच बैलेंस, वो मेंटेन रहता है। हम अक्सर सोप यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करने के बाद हमें क्या होता है, बहुत सारा इचिंग और वो सब चीज़ें धीरे धीरे चालू हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमें कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। आपको समझने के लिए मैं बता दूँ, ये कैंड्यूला फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा है, लीफ एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री ऑयल, ये बेस्ट चीज़ इसके अंदर है, टी ट्री ऑयल और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीज़ों से इसका की इंग्रेडिएंट्स इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके भी आप कुछ समय तक इसके सारे डिटेल्स को आप पढ़ सकते हो। तो अगर अब हम बात करें इसको यूज़ करने के लिए, इसको कैसे यूज़ करना, तो इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले अब इस प्रोडक्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, आप अगर देखो तो काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग और काफ़ी अच्छा इसका आप देख सकते हो लुक, डिज़ाइन, हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा है। तो ये जो है ये जस्ट एक पंप बॉटल है हमारे पास, और इस बॉटल को अगर अपन सपोज जैसा ओपन किए, ओपन करने के बाद ये अपने को थोड़ा सा कैसे यूज़ करना सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ। सिर्फ आपको जस्ट इस कुछ इस तरीके से लेना है, और ये आप देख सकते हो किस तरीके से फोम जैसा आ रहा है। ये लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको आपके जेंटल एरियाज़ में सिंपली जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको इस तरीके से कुछ इस तरीके से स्प्रेड करना है। और आपको ऐसा स्प्रेड करने के बाद आपको वहाँ पे 25 टू 40 सेकंड तक रोकना है और फिर उसको पानी से क्लीन कर लेना है। इससे भी बड़ी बात, आप जब इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के पहले आपके जेंटल एरियाज़ को, आपके इंटीमेट एरिया को जस्ट एक नॉर्मल वाटर से पहले आप क्लीन कर लेना। आफ्टर डैट इसको अप्लाई करना, अप्लाई करने के बाद 25 सेकेंड तक आपको रखना है एंड देन पानी से इसको क्लीन कर लेना है। और अपन नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो वो है सेम प्रोडक्ट, जैसा वो था वैसा ये भी है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये है पैशन फ्रूट, इसमें है पैशन फ्रूट। तो अपन इस प्रोडक्ट की एक बार जानकारी ले लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं और सारा कुछ। तो जैसे कि इसके पहले हमने देखा था जो स्किन एलिमेंट का हमारा इंटीमेश वॉश था, नॉर्मल इंटीमेश जो ऑयल ट्री ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ सारा कुछ था, तो ये सेम उसी तरीके का प्रोडक्ट है। इसमें भी सेम टी ट्री ऑयल है, एलोवेरा है, लीफ एक्सट्रैक्ट्स, कैंड्यूला फ्लावर एक्सट्रैक्ट, और इसमें जो अपन बात कर रहे थे ये विच हेज़ल की, विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट ये काफ़ी अच्छा है, आपको दोनों प्रोडक्ट्स में ये मिल जाएगा। विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट क्या करता है मैं आपको बताऊँगा। सपोज़ आप कभी किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में हैं तो कई बार क्या रहता है कि कुछ लुब्रिकेंट्स वगैरह आपके जेंटल एरियाज पे रह जाते हैं, तो उससे ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है जो ये विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट है ये एक नेचुरल एस्ट्रिजेंट है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से आपको मददगार रहेगा आपका कुछ भी अगर ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह रहा तो उसमें क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ये सारा प्रोडक्ट सब कुछ सेम है जो पहले इंटीमेट हाइजीन मैंने आपको बताया था, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसको पॉज करके आप सारा इसका डिटेल्स एक बार पढ़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो दोनों प्रोडक्ट थे जो पहले की मैंने आपको दिखाया था वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में पैशन फ्रूट का डिफरेंस है जो कि काफ़ी फ्रेग्रेंस में अच्छा है, तो आप दोनों प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। प्राइस वगैरह जो कुछ भी है सारा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्रोडक्ट का, साथ ही साथ एक कूपन कोड भी है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज आपकी सेविंग हो जाएगी अगर आप इसे परचेस करते हो तो। और अब अपन बात करने वाले हैं हमारे थर्ड प्रोडक्ट की, तो जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है इंटीमेट हाइजीन वाइप्स। ये मेरा फेवरेट है पैशन फ्रूट के बाद, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट इसलिए है, क्यों इसलिए फेवरेट है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन तो इसके जान लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और ये कैसा है, मैं सब आपको इसका बॉक्स के अंदर क्या है वो चीज़ ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके थोड़ी डिस्क्रिप्शंस को अपन पढ़ें, प्रोडक्ट कैसे बना है क्या है वो सारा चीज़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जी नहीं, इसके अंदर देखिए वाटर, फेनोक्सिथोलोन, बेंजोन एसिड, डिहाइड्रोएसिटिक एसिड, फ्रेग्रेंस, डिसाइल ग्लूकोसाइड, ये सारा इसके अंदर ये चीज़ मिला हुआ है। और ये सारा चीज़ पैराबिन फ्री है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पैराबिन जिसकी वजह से आपको इचिंग वगैरह हो, कुछ ऐसा आपको उसको साइड इफेक्ट्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस तीनों प्रोडक्ट के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर फ्रूट ऑयल है, ठीक है, टी ट्री, लीफ ऑयल, ये सब कुछ आपको इसके अंदर ऑलरेडी मिलेगा। और ये जो वाइप है, ये वाइप का काम कैसा है मैं आपको बता देता हूँ।
इस स्वाइप का काम कुछ ऐसा है कि सपोज़ हम कहीं पे बाहर हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम हमारे इंटीमेट एरिया को पानी से क्लीन कर सके, या फिर कुछ भी ऐसी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। जैसे मेरे साथ होता था राइडिंग में जाने के टाइम पे, मैं सब जगह कहीं पे भी जब तक होटल में चेक इन नहीं कर सकता हूँ तब तक मैं कुछ भी चीज़ नहीं कर सकता। देन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि सिंगल इस वाइप को निकाला हमने, अब आप देख लो ये प्रोडक्ट के अंदर 30 वाइप्स का ये पैक आता है। सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है 30 वाइप्स का ये पैक आता है। और ये वाइप्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हैं, ये सारे वाइप्स हैं, सिंगल सैसे हैं, आप कहीं पे भी यूज़ करना इजीली यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी आप गए। और इसको आपके जेंटल एरिया पे कुछ इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको पूरा क्लीन करना है, आपका जेंटल एरिया क्लीन करने के बाद इसको डिस्पोजेबल जो वेस्ट बिन है उसमें आपको डालना है। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छे हैं ये प्रोडक्ट्स, काफ़ी अच्छे मेरे लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आप भी अगर इस प्रोडक्ट को ट्राई करोगे तो आपको भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप वो चीज़ों को फील कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे कि हाइजीन हम मेंस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि वुमेंस के लिए है। तो प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ऑफ़र कोड भी है, आप जाके अगर चेकआउट करते हो इनके वेबसाइट से तो आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेगा। तो प्लीज़ जाके देखिए और सेफ़ रहिए, हेल्थी हाइजीन मेंटेन कीजिए बस। तो मिलते हैं फिर अभी अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।